अनुराग ठाकुर जी, माननीय सदस्य प्लीज, आपको इजाजत नहीं दी मैंने, आपको इजाजत नहीं दी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। जनता मार दी ना आप लोगों को। नहीं, बजट का तो इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरवीन कर सकते हैं मंत्री, वो पेपर लेकर बैठा मैं लिखने के लिए, चर्चा के बीच में राज्य मंत्री के रूप में इंटरवीन कर रहे हैं। धन्यवाद, बोलेंगे वे, धन्यवाद अध्यक्ष जी, और मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा बजट पे बोले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर इंटरवीन करने का अवसर दिया। मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी भी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। और दूसरा, मैं समझ सकता हूँ कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, बजट पर तैयारी नहीं थी सर, माना जा सकता है। लेकिन ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें, ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बता दिया, कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं सर। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं। ये आपके कुछ पिंटो पोटर बता रहे हैं। इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर। सर मैं ये एक मिनट, तो झूठ की फैक्ट्री क्या थी, ये जब बार बार की फैक्ट्री सामने हो रहे थे सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 आपको ऑन ए डे टू बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर पढ़ रखी है, सब्सिक्वेंट टू द डे ऑन व्हिच द बजट इज प्रेजेंटेड एंड फॉर फर्स्ट टाइम एज द स्पीकर मे अलॉट फॉर दिस पर्पस द हाउस शैल बी एट लिबर्टी टू डिस्कस द बजट एज ए होल और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन। तो प्रिंसिपल की बात पे तो चर्चा हुआ था, 207 आप देख लो, पॉइंट सपोर्टर 207 देख लो, मैंने कि प्रिंसिपल के ऊपर तो चर्चा करने का अधिकार है। आप सब ज्ञानवान हो माननीय मंत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। आई सी ए होप फॉर न्यू इंडिया, अ स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया इन दिस बजट सर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेट द पाथ फॉर इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, टू इंडिया मेक इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, हर का अपना अपना नजरिया है, किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, पांच पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे,
रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो। 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था, फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई, उस समय भी ये विरोध करते थे, कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे। आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की, और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, LED के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी, अध्यक्ष जी मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई, और UPI भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। यह ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की, और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। ना इनके समय में किसानों की आमदन दुगनी हो सकी, ना ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पाए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, किसानों के हित में किया। क्या थी उसमें रिकमेंडेशंस? एक बड़ी रिकमेंडेशन उसमें यह थी कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पर प्रकाश डालना चाहेगा? क्या मजबूरी थी आपकी? यही नहीं, आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे अलग अलग राज्यों में। आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन में सर, इनका कोई एक नेता बताए कि अगर सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे सर। और याद करिए उस समय की कर्जा माफी, CAG की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए, कर्जा किसको माफ किया आपने? जो कर्जा उस